नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुनिए सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हाजिर हूं बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। शक्तिमान और महाभारत में भीष्म पितामह के किरदार से अपनी अलग पहचान बना चुके टीवी एक्टर मुकेश खन्ना इन दिनों विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। मुकेश खन्ना का एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीटू मूवमेंट पर विचार रख रहे हैं और महिलाओं के घर से बाहर निकलकर काम करने पर भी आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश खन्ना ने वीडियो में कहा है कि मर्द अलग होता है और औरत अलग होती है, औरत की रचना अलग होती है और मर्द की अलग होती है। औरत का काम होता है घर संभालना, जो माफ़ करना मैं कभी कभी बोल जाता हूँ, मीटू मूवमेंट की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात करती हैं। उन्होंने आगे कहा, लोग वुमेन लीव की बात करते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफ़र करता है वो होता है घर का बच्चा, जिसको माँ नहीं मिलती आया के साथ बैठकर, क्योंकि सास भी कभी बहू जैसे सीरियल देख रहा होता है। वो जब से शुरुआत हुई उसके बीच में ये शुरुआत हुई कि मैं भी वही करूँगी जो मर्द करता है, नहीं मर्द मर्द है और औरत औरत है। मुकेश खन्ना के इस वीडियो को देखकर कई सेलेब्स ने उन पर नाराज़गी जाहिर की, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने मुकेश खन्ना को काफ़ी ट्रोल किया। कुछ लोगों ने भी कहा कि वो शक्तिमान की जगह किलविश हैं। इस पूरे मामले पर मुकेश खन्ना ने महिलाओं को लेकर दिए अपने विवादित कमेंट पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि उनकी वीडियो को गलत तरीके से समझा गया। मुकेश खन्ना ने कहा, मैं अपने सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से ना लें। मेरा पिछला 40 साल मेरा फिल्मी सफ़र इस बात की पुष्टि करता है कि मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। इस बात को हर कलाकार या फिल्मी दुनिया का हर मेंबर जानता है कि मैंने हमेशा सबका सम्मान किया है, और अगर कोई भी महिला मेरे स्टेटमेंट से निराश हुई हो तो मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बात को सही से नहीं रख पाया। फिलहाल इस वीडियो क्लिप के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर उन्हें मुकेश खन्ना को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई दे दी। फिर भी लोग उन्हें खरी खोटी सुनाते रहे। साल 2020 में बॉलीवुड ने कई कलाकारों को खोया और हाल ही में बॉलीवुड ने एक और एक्टर को हमेशा के लिए खो दिया। एक्टर फराज खान का मंगलवार को निधन हो गया। एक्टर काफ़ी दिनों से ब्रेन इन्फेक्शन से जूझ रहे थे और बेंगलुरु के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। एक्टर फराज खान के निधन की जानकारी प्रोड्यूसर और एक्टर पूजा भट्ट ने देते हुए लिखा, भारी मन के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि फराज खान हमें छोड़कर चले गए। एक ऐसी जगह जो मेरा मानना है कि यहाँ से बेहतर है, जब उन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब सब ने उनकी मदद की और प्रार्थना की, इसके लिए सबका शुक्रिया। तो वहीं फराज खान के परिवार ने बताया कि वो चेस्ट इन्फेक्शन और कफ से लगभग एक साल से परेशान थे और महामारी के दौरान उनकी हालत और बिगड़ती चली गई, जिसके चलते 8 अक्टूबर को डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पूजा भट्ट ने बीते दिनों फराज खान के लिए आर्थिक सहायता की अपील की थी और उनकी मदद के लिए सलमान खान आगे भी आए थे। इसके साथ ही एक्टर फराज खान ने फरेब, मेहंदी और दुल्हन बनू मैं तेरी जैसी फिल्मों में काम किया है और दर्शकों को उनकी एक्टिंग काफ़ी पसंद भी थी। फराज खान हमेशा ही हमारे दिलों में मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि वेब सीरीज़ आश्रम का दूसरा सीज़न 11 नवंबर को रिलीज़ होने वाला है, लेकिन रिलीज़ से पहले ही सीरीज़ विवादों के बीच घिर चुकी है। करणी सेना ने सीरीज़ पर आपत्ति जताई है और वेब सीरीज़ के निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और OTT प्लेटफॉर्म MX Player को लीगल नोटिस भेज दिया है। करणी सेना के महामंत्री सुरजीत सिंह ने कहा कि आश्रम शब्द हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है और हिंदू धर्म में आश्रम की परंपरा का विशेष महत्व है। इस शो के दूसरे सीज़न के ट्रेलर में दिखाई गई चीज़ों से लोगों में ये धारणा बनेगी कि देश भर के तमाम आश्रमों में इस तरह के गलत काम होते हैं। तो वहीं सुरजीत सिंह ने आगे ये भी कहा कि प्रकाश झा को ये बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने कौन से बाबा को आधार बनाकर ये सीरीज़ बनाई है और वे इस शो में किस आश्रम के काले सच को उजागर करना चाहते हैं। इससे काल्पनिक कहानी बताकर वे इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। शो के जरिए पूरे हिंदू धर्म
और आश्रमों को बदनाम करने की कोशिश को इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर निर्देशक प्रकाश झा ने भी जवाब दिया और उन्होंने न्यूज़ पोर्टल स्पॉट बॉय से बातचीत के दौरान कहा कि मैं उनकी डिमांड पर जजमेंट देने वाला कौन होता। पहले सीज़न पर हमारे पास 40 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ थे। मुझे लगता है कि दर्शक इस बात का फैसला करेंगे कि सीरीज से नकारात्मकता फैल रही है या सकारात्मकता। बता दें कि सीरीज आश्रम में एक्टर बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा के मुख्य किरदार में है, जो आस्था के नाम पर लोगों का शोषण करता है। तो ये सीरीज़ का पहला सीज़न 28 अगस्त को रिलीज़ हुआ था और दूसरा सीज़न 11 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या एक्शन होगा और आगे क्या करेंगे प्रकाश झा, अभी तक इस पर कुछ भी सामने नहीं आया है। कुछ भी इस खबर पर अपडेट मिलता है वो हम आपको बता देंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन पिछले दिनों कंगना रनौत चर्चा में उस वक्त आ गई जब उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करा दिया गया। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज कराया है और उन्होंने मुंबई के अंधेरी स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कंगना के खिलाफ आपराधिक शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि कंगना ने रिपब्लिक टेलीविजन पर अपने इंटरव्यू में उनके खिलाफ मानहानि काला को निराधार टिप्पणियाँ की थी। अर्णब गोस्वामी के नेशन वांट्स टू नो कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि जावेद अख्तर भी सुसाइड गैंग का हिस्सा है और वो मुंबई में कुछ भी करा सकता है। उसी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने बहुत कुछ झूठे आरोप उन पर लगाए हैं जो उनकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। रिपब्लिक को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने दावा किया था कि जावेद अख्तर ने एक्टर ऋतिक रोशन के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर बात ना करने की चेतावनी भी दी थी। जावेद अख्तर ने कहा है कि जानबूझकर कंगना रनौत ने उनका नाम एक संवेदनशील मामले में घसीटा और उन्हें गिद्ध और सुसाइड गैंग का सदस्य तक कह दिया। उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू के आधार पर कई न्यूज़ चैनल और कई समाचार पत्रों ने खबरें बनाई और सोशल मीडिया पर भी उसे पोस्ट किया गया। इस पोस्ट के से लोगों के बीच उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने यह सब एक साजिश के तहत किया है और ऐसा उसने अपनी प्रसिद्धि और अपने व्यवसायिक लाभ के उद्देश्य से किया है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। इस आदेश के बाद शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया, तो कंगना रनौत ने भी ट्वीट के जरिए संजय राउत और जावेद अख्तर पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, एक थी शेरनी और एक था भेड़ियों का झुंड। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, अभी इसमें कुछ भी सामने नहीं आया है। कुछ भी अपडेट मिलेगा वो हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर 2 को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। लखनऊ में वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर 2 के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सीरीज़ में यूपी बिहार के लोगों की गलत छवि को दिखाया गया है। इसके साथ ही भोजपुरी भाषी क्षेत्र को आपराधिक दिखाने की भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कृष्णा सेना के अध्यक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी है और सीरीज से जुड़े फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, पंकज त्रिपाठी पर FIR दर्ज करने की मांग भी की है। DCP सेंट्रल सोमेन वर्मा ने बताया कि कोर्ट के द्वारा मिर्ज़ापुर सीरीज के संदर्भ में 156 में आख्या मांगी गई है। हालांकि वेब सीरीज़ में लखनऊ के हज़रतगंज से इसके कोई तार जुड़े नहीं हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए CGM ने रिपोर्ट मांगी है जिसको हमें देना है। तो इस पूरे मामले में मिर्ज़ापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि इससे पहले भी सांसद अनुप्रिया पटेल ने सीरीज़ के माध्यम से मिर्ज़ापुर की छवि को धूमिल करने की बात कही थी, जिस पर एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि हर एपिसोड की शुरुआत से पहले एक डिस्क्लेमर आता है जिसमें लिखा होता है कि मिर्ज़ापुर एक काल्पनिक कहानी है और इसका किसी भी इंसान या जगह से कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल सीरीज़ को रिलीज़ हुए हफ्ता भर हो चुका है, लेकिन इसको लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें मिर्ज़ापुर के दूसरे सीज़न का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और सीरीज़ 23 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। फिलहाल ये जो नया विवाद है, इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या होगा, अभी इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई।
आज के लिए इतनी ही खबरें थी। अगले हफ्ते मैं फिर से हाजिर होंगी बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।